दो दिन पहले असल न्यूज़ पर खबर चलाई गई थी कि सड़क की हालत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन नेशनल हाईवे पर जो काम चल रहा है वो टीम यहाँ पर आई और थोड़ा सा जो मलबा है वो यहाँ पर डाला गया। आपको दिखा दें, एक खाना पूर्ति जो है वो यहाँ पर की जा रही है। ना तो शासन ही ध्यान दे रहा, ना ही प्रशासन। डंपर इधर खड़ा नेशनल हाईवे का, जेसीबी लगी हुई है, लेकिन जो गड्ढा था उसमें थोड़ा सा जो मलबा है वो डाला गया। जो दूसरी तरफ जो सड़क है उसके हालात जस के तस हैं। और इस मामले को लेकर स्थानीय विधायक और निगम पार्षद जो दोनों हैं वो यहाँ की जो जनता है वो इस मामले को देख रही है और भुगत रही है, क्योंकि जो राजनीतिक दल है वो इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। और यहाँ की जो जनता है वो लगातार परेशान है इस मामले को लेकर। जो दिखा दें, जो मटेरियल जो डाला गया है वो नाम मात्र का डाला गया है। थोड़े बहुत जो गड्ढे हैं वो यहाँ पर भरे गए हैं। जो स्थानीय लोग हैं, अक्सर जो हाईवे की टीम है वो भी उधर खड़ी है, तो बात करेंगे हाईवे की टीम से कि क्या काम कर रही है और कितना मलबा डाला है। आप देख सकते हैं कच्चा माल है जो वो डाला गया है। थोड़ी देर में बारिश आएगी, ये मलबा फिर से उखड़ जाएगा, जो गड्ढा है वो फिर से यहाँ हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए था कि इस ओर ध्यान दे, और नेशनल हाईवे 44 को भी चाहिए जो काम चल रहा है इस पर ढंग से काम किया जाए और पक्का माल डाला जाए। आप लोग यहाँ माल डाल रहे हैं, कच्चा माल डाल रहे हैं, बारिश आएगी फिर उखड़ जाएगा। अभी टेम्परेरी कर रहे हैं, परमानेंट करेंगे शाम को, आज शाम को करेंगे। अभी जो आप कच्चा माल डाल रहे हैं, अगर जो बारिश आ जाती है तो फिर उखड़ जाएगा ये तो शाम को परमानेंट करेंगे ना, अभी टेम्परेरी कर दे रहे हैं ना ट्रैफिक के लिए। कब तक हो पाएगा ये ठीक ठाक, क्योंकि तो उधर भी टूटा हुआ है, इधर भी टूटा हुआ है जी। जो हमारे अंडर में आता है वो हम आज शाम को कर देंगे। अच्छा, तो किस तरह का मलबा डाला जाएगा? ऐसे ही मलबा डालकर छोड़ देंगे या पक्का करोगे? पक्का करेंगे ना शाम को, हाँ आज शाम को कर देंगे। देखने वाली बात ये होगी कि शाम तक विभाग जो है वो जो काम कर रहा है वो इस रोड पर पक्का मटेरियल डालता है या फिर इसी तरह जो कच्चा मलबा है वो डाल दिया जाएगा, जिससे बारिश आने पर गड्ढे दोबारा से यहाँ पर हो सकते हैं। अब उसी को लेकर हमारी बात नेशनल हाईवे 44 के कर्मचारी से हुई, जिन्होंने कहा है कि इस पर पक्का मलबा डाला जाएगा ताकि आने वाले टाइम में इस तरह के गड्ढे सड़क पर ना हो सके। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।